कन्या पूजन करने के बाद ये कार्य अवश्य कीजिए। क्या करना है इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। जब आप कन्या पूजन कर लें तो बाहर से या किसी धर्मस्थान से या किसी पड़ोसी से कहीं से भी एक गिलास जल लाएं और उसका छिड़काव अपने निवास पर करें। इसका अर्थ ये होता है कि शुभ कार्य करने के बाद हम अपने घर को इस तरीके से पवित्र कर लेते हैं कि पॉजिटिव वाइब्रेशन वहीं पर समा जाए और कोई नेगेटिव वाइब्रेशन उसके साथ जुड़ ना जाए। एक क्रम शुरू हो जाता है कि हमने पाठ पूजा का क्रम शुरू किया और जब तक हम कुछ दूसरा नहीं करते वो क्रम चलता रहता है। उसमें यदि कोई बुरा व्यक्ति आ जाता है तो वो अच्छे क्रम में बुरा व्यक्ति का क्रम भी जुड़ जाता है। तो इसलिए हम जब जल छिड़क देते हैं तो पहला क्रम समाप्त मान लिया जाता है। और जिन लोगों ने पारे की मूर्ति ऑर्डर की हुई है वो हम नौमी में और उसके बाद 4 दिन का पाठ है करके आप लोगों को भेजेंगे, फिर आप लोग रखेंगे। जिन लोगों ने ऑर्डर नहीं की है वो कर सकते हैं क्योंकि हमने काफ़ी अधिक बनाई हैं। ये पारे की मूर्तियां काफ़ी शक्ति देंगी। तो आप समझ चुके होंगे कि अभी, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं कब भेजोगे, अभी पाठ उसका हो रहा है, अष्टमी नवमी को पाठ, फिर आगे भी पाठ, फिर आपको वो सेंड कर दी जाएंगी और आप उसका लाभ पूर्ण रूप से उठा सकते हैं। तो आज आप ये अवश्य कीजिए।